हे एवरीबॉडी, आज का लेसन में स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ ड्राइंग में क्या आवश्यक होती है, लाइंस को समझना, लाइंस को ऑब्जर्व करना ड्राइंग में कितना इम्पोर्टेंट है, इसका आज मैं वो बताने वाला हूँ। तो इस लेसन को पूरा वॉच कीजिए। अभी जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, क्या आप इसे ड्रॉ कर सकते हो? ये अभी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पहले आइज बनाए या नोज बनाए, आपको कुछ इस प्रकार से कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर इसे सिंपल में चेंज करके हम इसे बना सकते हैं। तो इसी के लिए लाइन को ऑब्जर्व करना और लाइन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो रियल टाइम रहेगी, ये बहुत लॉन्ग टाइम भी रह सकती है, लंबा वीडियो भी बन सकती है। तो मैं इसे अब एडिट नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए इस फोटो को, इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखते हैं, जो कि इस तरीके से है। उसके बाद सेकेंड लाइन है, इस तरीके से, और ये थर्ड जो लाइन है ऐसे, और फोर्थ जो लाइन है थोड़ी तिरछी एंगल ऐसे, और हमारा जो फिफ्थ जो लाइन है वो ऐसे आया हुआ है। तो ये जो फेस का शेप है ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसे सिंपली आपको लाइन को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से लाइन जाती है। आप ये प्रैक्टिस आप डेली करते हो तो आप डेफिनेटली ड्राइंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी अब आगे की प्रोसेसिंग ऐड करते हैं। तो इस लाइन के थोड़ा इस टाइप से यहाँ हेयर गई हुई है, फिर ऐसे करके यहाँ से कुछ इस तरीके से हेयर है, यहाँ तक हेयर है, यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसे। यहाँ पे इसके जो ईयर कॉलम होते हैं, यहाँ पर ईयर यहाँ एक्चुअली यहाँ लास्ट तक आएगी, यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ तक नहीं जा रही, यहाँ तक इसका जो इस लाइन का डिफरेंस है, यहाँ ईयर की लास्ट पोजीशन है, यहाँ से ये ऊपर जाएगी, और इधर भी ज़्यादा दूर का डिफरेंस नहीं है, तो लगभग यहाँ और ये वाला यहाँ। तो इस लाइन को ध्यान से देखें, लाइन से कितनी दूरी पर है, तो लगभग इतनी बड़ी इसकी ईयर बन जाएगी, और यहाँ ये आ जाएगी, और इसे फिर राउंड करते हैं ऐसे, फिर ये ऐसे गई हुई है, कुछ इस प्रकार से जाके इधर थोड़ी सी इस नीचे मुंह की हुई लाइन, फिर ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे गई हुई है, यहाँ पर ही इस तरीके से है, और यहाँ पर भी कुछ निकली हुई है, और यहाँ पर ही ऐसे, पूरी सटी नहीं है, यहाँ तक देख सकते हो इसका पोजीशन कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर ही लाइन से बाहर हेयर निकली हुई है कुछ इस तरीके से। फिर अब ये नीचे की बात करें, यहाँ कुछ ऐसे है, फिर यहाँ से अभी देखो लाइन में हल्का इसका आईब्रोज टच हुआ है, हल्का सा, तो आईब्रोज कहाँ आएगी वो हमें इससे पता चलेगी, ऐसे यहाँ पर ही आईब्रोज आएगी, तो हल्का सा यहाँ टच हुआ है, और ये कुछ इस पोजीशन में जाके ऐसे है आईब्रोज, फिर अंदर की ओर घुसी हुई है, ऐसे घुसी हुई है, उसके बाद कुछ इस तरीके से लाइन गई हुई है इस तरीके से, उसके बाद नोज भी हल्की सी टच हुई है, नोज भी बाहर नहीं निकली हुई है, हल्की सी टच है लाइन से, इसे हल्की टच करते हैं, और नोज की जो पोजीशन है वो इस तरीके से जाके ऐसे है, ऐसे इस तरीके से, बहुत ही
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट को आसान कर सकते हैं। यहाँ लाइन नहीं से माउथ नहीं सटी हुई है, यहीं से माउथ की पोजीशन इस तरीके है। और ये यहाँ तक आई हुई है, यहाँ कॉर्नर इधर भी नहीं सटी हुई है, यहाँ तक ऐसे। और ये इस लाइन से बाहर गई हुई है, इसकी जो ये वाली पोजीशन है इस लाइन से ऐसे बाहर गई हुई है। और ये जो ईयर का ऐसे आके इस लाइन से ऐसे कुछ है, और ये हेयर जो ऐसे नीचे आया हुआ है ऐसे, और आईज इसका फर्स्ट आईब्रोज रहा, और यहीं से इसका सेकंड बना सकते हैं, इसका सेकंड भी बन गया, यहाँ पर आईज आ जाएगी। तो देख सकते हो कुछ इस शेप के जरिए हम इस फेस को ड्रॉ कर लिए हैं। इसी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, और मैंने ये इम्प्रूवमेंट अपने रियल में भी देखी है। जो भी ड्राइंग सीख रहे हैं परफेक्ट नहीं बना पा रहे, तो उसमें भी मैं ये इम्प्रूवमेंट देखा हूँ। तो इसे तो डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हो तो, मैं बिल्कुल इसे सजेस्ट करूँगा। तो आज का लेसन काफ़ी लंबा जा रही है, तो यहीं तक मैं रखना चाहता हूँ। आप डेली बेसिस पर दो ड्राइंग ऐसे कर सकते हो तो डेफिनेटली आप सीख ही जाओगे। तो फिलहाल इसे यहीं पर एंड करते हैं। ये लेसन पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, और प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं इसी नेक्स्ट लेसन में। बाय।